कोई एक आदमी तय क्या आज विषय है आप लोग कुछ हुआ कोर्ट में पेशी के बाद में क्या कुछ सजा क्या कुछ सुनाया गया ये जानना चाहिए क्या हुआ फैसला गया फैसला गया अरे माइकवा नीचे करना भाई है फैसला गया तो फिर कौन चीज जानना चाहते हैं उम्मीद क्या है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम कहां आई जाएगी हैं चाचा के लिए कुछ क्या उम्मीद है मतलब अभी आ नहीं है देखिए राष्ट्रीय जनता दल स्वयं इस बिहार की आवाम की उम्मीद है और जिस उम्मीद के सबसे बड़े कर्ता धर्ता नेतृत्वकर्ता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं न्याय प्रणाली के पर भरोसा होते हुए भी सीबीआई पर कोई भरोसा हम लोग को नहीं है सीबीआई जो प्रस्तुत क्या किया है ये सीबीआई जानती है लेकिन जो भी सीबीआई की इच्छा हो और जो भी भाजपा वालों की इच्छा हो और नीतीश जी की इच्छा हो इतना जान लीजिए कि चाहे जिस हालत में हमारे नेतृत्व को रखे लेकिन बिहार की जनता का विश्वास है कि जहां भी लालू प्रसाद होंगे उनका विचार हमारे हृदय में है। बहुत लंबे समय कैद करने के बाद भी लालू जी के बिहार के लोगों से गरीब आवाम वंचितों के दिल से नहीं कोई निकाल पाया, इसलिए इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ चाहे जो कुछ वहाँ भी हो लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बिहार की 12.5 करोड़ जनता के साथ है, उसकी आशाओं के साथ है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के निर्देशन में आगे भी बढ़ेगी जैसे आज तक बढ़ती रही है। धन्यवाद। सीबीआई और कोई असर पड़ेगा पार्टी पर? जी सीबीआई और नीतीश कुमार की इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं क्या इस मामले में? नहीं समझे। सीबीआई और नीतीश कुमार जो भी चाहे वो होगा तो इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे हैं क्या किस में? मामले में लालू जी के मामले में कमाल है, उनके सिवा और कोई है क्या तनपुरी समाजवाद की धारा को विकृत करने वाला? पूरे इस देश में कम्युनलिज्म का आधार देने वाले बिहार के नीतीश कुमार हैं, इसलिए उसमें उनको क्या देखना और क्या सुनना है? अपनी आदत से मजबूर हैं और हम लोग जिनके साथ वचनबद्ध हैं हम लोग भी अपनी आदत से मजबूर हैं। सर मुंह पहले हटा के बताओ तो क्या क्या बोले हो? वो बोले थे कि संसद तक जाएंगे और पीएम मोदी जी को जवाब देंगे वहाँ पर, तो इसमें क्या परेशानी है? लालू प्रसाद जी के सामने मैं लोकसभा में देखता रहा हूँ, कोई टिकता है क्या? कोई टिकता है क्या? इसलिए कि लालू जी स्थिर हैं और बाकी सभी अस्थिर हैं, समय के साथ बदलाव लोगों में होते रहते हैं और लालू प्रसाद जी इस भारत की एक धारा हैं, बिहार की अगुवाई करते रहे हैं, पूरे देश को अगुवाई करने का उनको एक बार मौका। सर आपका मानना है कि सीबीआई अदालत का में जो फैसला दे रहा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश पर होगा? एक बात आप जान लीजिए, तुम पूछो ना कोर्ट क्या कहता है। मैं सुनता हूँ लोगों की और देखता हूँ कानून को लोगों की निगाहों से। जो केस को फैब्रिकेट करके खड़ा किया गया है किसी के पास? ट्रेजरी का घोटाला को चारा घोटाला बना दिया, खजाने का रक्षक हमारा होता है शासन के प्रशासन के तरफ से, वहाँ का डीसी और कलेक्टर क्यों दुमका में तन घटना हुई और वहाँ का डीसी बिहार का मुख्य सचिव बना? और इसके पीछे सारे ये लोग हैं, यही अरे वह 1000 करोड़ का घोटाला तो इस बिहार में 2500-3000 करोड़ का तो सृजन घोटाला हो गया। यदि उस समय का शीर्षस्थ नेतृत्व दोषी है तो इस घोटाले का भी शीर्षस्थ नेतृत्व दोषी होना चाहिए था। उस जमाने में एक पैसा भी बजट का नहीं दिया गया था घोटालेबाजों को, अलग से लोगों ने निकासी की थी। लेकिन सृजन घोटाला में तो बजट से पैसा जाता रहा, ट्रेजरी का पैसा बैंक में जमा होता रहा, एजी की रिपोर्ट आती रही और घोटाले पर घोटाले होते रह गए। तो आप एक बात समझ लो, दुनिया के हर मापदंड है। अब भी 23000 करोड़ का घोटाला हो गया गौण है, करोड़ों का तो ड्रग्स पकड़ा गया पोर्ट पर वो गौण है, लाखों करोड़ रुपया कई लेकर के कई मोदी भाग गए वो गौण है। लालू प्रसाद जी का प्रमुख इसलिए नहीं है वो किसी घोटाले में है, लालू प्रसाद जी मुख्य दोषी इसलिए हैं कि इस भारत में गांधी जी के रास्ते पर डॉक्टर राम मनोहर के लोहिए पर रास्ते पर चल करके दंगाइयों को उन्मादियों को सबसे बड़ी वो चुनौती हैं। तो वो अपने चुनौती से लड़ रहे हैं अपने तरीके से।
हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। अच्छा कई आदमी का जवाब एक बार जवाब डिप्टी सीएम का बयान आया है वो कहते जस करनी दस बनी क्या डिप्टी सीएम रेणु देवी डिप्टी सीएम रेणु देवी का बयान आया है। कहाँ का डिप्टी चेयरमैन? यहाँ बिहार बिहार का विधानसभा में कौन डिप्टी चेयरमैन होगा? क्या हो गया उनका? क्या हो गया उन्होंने लालू जी पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू जी के सजा पर बोल रहे हैं। क्या बोले हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा हमें समझ में नहीं आ रहा है इससे अधिक की अपेक्षा उनसे क्या की जा सकती है। वह नरेंद्र मोदी की भाषा और वह नाथूराम गोडसे और सावरकर की भाषा बोलने के लिए आज जो मौजूदा वर्तमान है वो भाषा को बोल रही है। लालू जी की सजा होने पर मैं एक ही बात जानता हूँ जिस असर की लोग कल्पना करते रहे कि ये चले जाएंगे जेल सरकार टूट जाएगी नहीं टूटी सरकार चली चलती रही अगले चुनाव में भी हम लोग जीते और राष्ट्रीय जनता दल उस नेतृत्व के हृदय में समाहित कर लिया है। अरे मनुष्य का तो जीवन है लेकिन क्या गांधी को गोली मारने के बाद कोई भारत से गांधी को खत्म कर दिया गया? इसलिए भूलना मत मित्रों आदर्श हमेशा जिंदा रहता है और आदर्श ही पथ प्रदर्शक है। हाँ व्यक्ति उसका प्रतीक है जब प्रतीक को कष्ट दिया जाता है तो उस आदर्श को मानने वालों को तकलीफ होती है लेकिन लड़ाई और संघर्ष के लिए और मुस्तैदी से खड़ा हो जाते हैं सभी समर्थक। यही है बिहार की हालात। अगली बार इन लोगों को हम लोग जो आज कुछ कर रहे हैं बिहार की जनता बताएगी कि तुम्हारे षड्यंत्रों का क्या परिणाम होता है।